मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इन दिनों लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं और कोरोना को देखते हुए मुंबई में लॉकडाउन है। इस बीच सबके काम भी बंद हैं, तो पैसे कहां से आएं? लोगों की चिंता ईद की मिठास कैसे बनी रहेगी? ऐसे में शिवसेना नगर सेवक हाजी हलीम खान ने वार्ड की जनता की मिठास बनाए रखने के लिए सामने आकर ईद से पूर्व रात में 1000 जरूरतमंद लोगों में ईद में बनाई जाने वाली सामग्री जैसे दूध, सेवई, शक्कर और सामग्री का पैकेट लोगों में वितरण किया और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। सर, चाहेंगे वार्ड नंबर 96 आपके द्वारा आज रमजान का लास्ट दिन है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप बांट रहे हैं? सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूंगा मेरे लोगों को, बहरामपाड़ा नौपाड़ा वाले लोगों को, जो रमजान के महीने में अच्छे से रोजा रखे और कोई चीज की गलत चीजें नहीं हुई, सब लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया। सबसे बड़ी बात है मेरी जो एरिया सबसे कंजेस्टेड एरिया है, उसके बाद मेरे लोग ने इतने अच्छे से रमज़ान निकाले, लॉकडाउन में संभाले। वो कोविड केस देखा जाए तो बांदा इसमें मेरे वार्ड में तो है ही नहीं, आप कहीं डिटेल देखा जाएंगे। और ये हर साल मैं लोगों का इंतज़ाम करता हूँ 2000 फैमिली का। आज ये मेरा 5वां साल है जब से मैं सुशीलनगर का नगर सेवक बना हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। हर साल हम लोग गरीबों घर में, जिनके घर में ईद नहीं होती है, शीरखुरमा का इंतजाम नहीं होता है, वो सब हम लोग करते हैं। जी सर, आज कहने की 2000 परिवार को आपके द्वारा दूध और सेवई बांटे गया है, फिर इसको कैसे देखते हो? ये तो मेरा काम था, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पहले मैं सोच के आया था जब मैं लड़ूंगा तो ये काम मुझे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शिवसेना की 80% काम करना और 20% राजकरण करना, तो 80% काम करने में भरोसा लगता हूँ, जो उद्धव साहब, आदित्य साहब और अनिल परब साहब का आदेश है। सर, टारगेट कितना का दिया गया है, क्या बताना चाहेंगे? टारगेट कितना दिया गया है, क्या चीज़ के लिए टारगेट के बारे में? सर, ये जो आप बांट रहे हैं दूध और सेवई, ये 2000 परिवार को हम लोग पहुँचा रहे हैं, 2000 परिवार को। कोरोना काल यही, अपने आप को संभालिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो आगे देश चलेगा, हम चलेंगे तो अपने आप को संभालिए। अभी ईद है इसलिए तो मेरे आँख में आंसू आप देख रहे हो, क्योंकि गम इस बात का है, जिसको ऊपर वाले ने दिया हो तो ईद बना सकता है, पर जिनको नहीं दिया है वो गरीब क्या कर रहा, तो वो इंतजाम हमने किया, इसलिए मेरे आँखों में आंसू है, मैं उस बात के लिए मेरे आँख में आंसू आ रही। बहरामपाड़ा नौपाड़ा के जो गरीब परिवार है, जो गरीब घर है, उनके हाथों से रोजगार छीना गया है, आज उनके जो आपने से नेतृत्व लिया है, सबके आंसू, सबके आंखों में हमें खुशी देखने को प्राप्त हुआ, इसको सर कैसे? तो वही खुशी देख के मेरे आंखों में आंसू है, क्योंकि अमीर तो अपना इंतजाम कर ही लेता है, गरीब बेचारा कहाँ से करेगा। तो जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई है, तो वो चीज़ की वजह से मेरे आंखों में आज आंसू है, उनकी खुशी देख के मुझे अच्छा लग रहा है। यही मेरी ईद है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे जितने भाई हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबको हमारी तरफ से बधाई हो। हमारा ईद का दिन है और आप लोग का दिवाली हमारा एक ही है। हमारे हाजी अलीम भाई को ऊपर वाला मालिक अच्छा रखे, आज हमारे लिए उन्होंने दूध का इंतजाम किए और ये ड्राई फ्रूट का इंतजाम किए, हमारी गली बनाए, हमारे को पानी का इंतजाम किए, और हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारा काम करे, हमारी बात भी सुनते हैं, हमारी हर चीज़ सुनते हैं, हमारे हर चीज़ पर हेल्प करते हैं, हमको कभी उन्होंने ठुकराया नहीं, कभी भगाया नहीं, हमारे हर काम को उन्होंने आगे किया। ये हमारी इतनी माँ बहन उनके पीछे चल रहे कि वो हर बात की मतलब बात को सुनते और हमारे को टाइम भी देते, हमारा काम भी सुनते, ऊपर वाला मालिक उनको अच्छा रखे हमारी तरफ से। हाँ, ये मुहर्रम का लास्ट दिन हमारे को उन्होंने पूरे 30 दिन तक साथ दिया हमारा, हर रमजान। हाँ, हर हर रमजान में हमको ये साथ दिया उन्होंने, फल फूल की गाड़ी लगने दिए, हमको चीज़ें मिली, बहुत सी चीज़ें मिली, हमको कोई चीज़ में तकलीफ नहीं हुई, इफ्तारी खाने मिली, सहरी खाने मिली, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा कारपोरेटर अल्लाह करे सबको मिले। कोरोना काल में अलीम खान जी जो वितरित कर रहे हैं, हाँ, और कितने का टारगेट है, आखिरी का रमजान का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमको जब तक मैं जिंदा रहूँ मेरे को ऐसा कारपोरेटर मिले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हलीम खान जी द्वारा जो रमजान का आज लास्ट दिन है, हलीम जी द्वारा वार्ड नंबर 96 से जो किया जा रहा है वितरित, क्या कहना चाहेंगे? अजीम खान का लास्ट दिन नहीं है, आज रमजान का लास्ट दिन है और कल ईद है, और मैं चाहूँगा कि ये नेता अगर पब्लिक अगर खो डालती है तो उनकी बेवकूफ़ी है। रमजान महीने में अलीम भाई ने नौपाड़े जैसे एरिए में जो 30 साल से जो परेशानी तकलीफ थी, आज पानी का मसला उन्होंने सॉल्व किया, आज लोगों के घर में गंदे पानी की जगह पे और अच्छा पानी आ रहा है। इसके अलावा अलीम खान जो भी कुछ है,
हर महीना राशन पब्लिक को दे रहे, आज दूध का इंतजाम कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तो दूध का और सेवई का क्या टारगेट दिया गया है? हाँ भाई, दूध और सेवई का जो दिया गया है वितरित कर रहे हैं, कितने का टारगेट दिया गया है? ये कम से कम 1000 आदमी का है, 1000-1500 आदमी का है। और जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता को तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नेता तो मैंने तो नहीं देखा, शायद जनता ने भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि अलीम खान जो है किसी भी अपने कार्यकर्ता को या पब्लिक को नाराज़ नहीं करते, एक फ़ोन पे अटेंड होते हैं और उनकी सुनते हैं और सुनने के बाद में वो काम उनका पूरा होता है। ऐसा नेता तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, आज़ाद उम्मीदवार से ये इलेक्शन मैं भी लड़ चुका हूँ, और लड़ने के अलावा मैंने देखा कि जो काम मेरा भाई लोग ने नहीं करे, जितने भी जो नेता जो पीछे के आए ले, और ये भाई ने एक साल ये 5 साल के अंदर बहुत कुछ कर दिया और पब्लिक के सामने ही है, और पब्लिक अगर इनको अगर खो डाली तो ये पब्लिक की मर्जी है। और आप लोगों को सब सेवई दूध और बांटा जा रहा है, इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, हाजी अली भाई को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको मेरा सलाम। और कल हमारी ईद है, रमज़ान ईद है, और उन्होंने 2000 आदमी का दूध का सेवई का इंतज़ाम किया है, अल्लाह उनको और नवाजे, और हर महीना राशन भी देते हैं, और हर 30 तारीख को राशन देते हैं हर महीना गरीब लोगों को, और अभी रमज़ान के चांद रात है आज, और वो हम लोगों को सेवई दूध सबका इंतज़ाम किया उन्होंने। और अभी 5 साल में मैं देख रही हूँ, ये 5 साल से हम लोगों को बराबर से नौपाड़ा, घास बाजार, रजाक चाल, ये सब जगह पे गटर पानी रोड का बहुत बहुत आराम किया है उन्होंने, और हमारे नौपाड़े में घास बाजार में और सब जगह पानी का बहुत आराम किया है उन्होंने, बहुत बहुत मेहनत की है, अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनके बाल बच्चों में अल्लाह हर खुशी दे और सब अच्छा करे उनके घर में, क्योंकि वो इतने लोगों की दुआ ले रहे हैं, बहुत दुआ ले रहे हैं, अल्लाह उनको हर चीज़ से नवाजेगा इंशाल्लाह। हम 96 वार्ड के हैं, नगर सेवक हमारा हलीम खान बराबर, और हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, इतने हमारे 4 साल पूरे हो गए यहाँ, और ऊपर भी ये कोरोना का सब महामारी है, इसका सब हमारे दे रहे। और दूसरी एक बात, हम 4 साल से हर महीने की 30 तारीख को हमारा नगर सेवक दे रहे, और हम पूरी तरह से उनको काम, और रजाक चाल वो यहाँ 96 वर्ष, कोई बोलने की, आप खुद ही जाके एक बार देख लो कि हमारा वार्ड इतना अच्छा है, जब से शिवसेना आया है ना तब से बोलने की ज़रूरत नहीं। हमारा अनिल साहेब सब हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और अभी भी नौपाड़ा एरिया बोलो, कोई भी एरिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको मिलेगी कोई भी, और कुछ भी काम रहेगा तो 1 से 2 दिन काम बराबर हो जाता है, उसमें कोई भी आपको कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत समझो 2 दिन होगा बस, तीसरे दिन उसका काम हो जाता है। गटर भी हमारी पाइपलाइन एकदम बेस्ट काम किया है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉब्लम होती डायरेक्टली फ़ोन हमारे करते हैं, नगर सेवक बात करते हैं, बीच में कोई बात नहीं करता है, और खुद वो जाते हैं, सब खुद ही वो काम करते, ऐसा नहीं भाई उसको बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद ही वो काम करते हैं। इसके लिए हमारे जब से यहाँ शिवसेना का आया है ना, तब से हमको छाती ठोक के बोलते हैं, हम और 5 साल है और आगे भी उनके साथ काम करेंगे। यहाँ की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि इतने साल से हमारे वार्ड में आया है, तो उनको और जिताना चाहिए, वो खुद समझेंगे तो और हमारे आगे खुशी से रहेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही धोखा खा के गटर में गिरेंगे तो चलेगा उन लोग को। और अखिल स्थानीय नगर सेवक हाजी अली खान के द्वारा सेवई और दूध बांटने वाले क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मतलब आप सब लोगों को शान मुबारक, और हमारे हाजी अलीम सर ने बहुत ज़्यादा ही मतलब पब्लिक की हेल्प वगैरह की है, हर महीने वो लोगों को राशन वगैरह देते महीने की 30 तारीख को, और आज चांद रात है, कल ईद है, तो आज उन्होंने मतलब दूध और सेवई का इंतज़ाम किए पब्लिक के लिए, 1000-2000 पब्लिक यहाँ आई है, और मतलब हम ऐसे भी मतलब ऑलरेडी ये हेल्प करते रहते हैं, ये लोगों की हर महीने की हेल्प करते रहते हैं वो, और इंशाल्लाह पब्लिक का इसी तरह सपोर्ट रहा इनको, तो ये आगे भी इलेक्शन में और आगे पब्लिक की सपोर्ट में जीत के इंशाल्लाह जो भी इनके मतलब काम है वो सब मुकम्मल करेंगे वो जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, हलीम सर जो है ना बहुत अच्छे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में वो जीत कर आए, और हर महीना वो राशन तो देते हैं, लेकिन आज चांद रात है तो उन्होंने 2000 लोगों को सेवई है, दूध है, घी है, वो सब चीज़ों का इंतज़ाम किए हुए हैं। जिस तरह
तरह से हाजी अली खान सर जो है काम करते हैं, जनता को कितना खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि हमारे लाइफ में पहला नेता हमने ऐसा देखे हुए जो लोगों की इतनी मदद करते हैं और उनसे फेस टू फेस मिलते हैं। क्या हाजी अली खान जी सर लॉकडाउन में ही ऐसा कर रहे हैं? नहीं, जब से वो जीत कर आए हुए ना, जब से वो ये सब काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को हर महीना राशन भी देते हैं और लोगों के बीच में आके बैठ के उनकी यानी जो प्रॉब्लम है वो भी सुनते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तभी तक जनता तो देखते हुए कितना पब्लिक है, क्या कहना चाहेंगे? और जो है यहाँ पे जो वितरित कर रहे हैं, कितना का टारगेट दिया गया है और क्या क्या कर रहे हैं? 2000 का है पूरा, ये जो आज चांद रात के दिन जो बांटने वाले हैं ना सर, वो 2000 का है। हाँ, जैसे घी है, सेवई है, दूध है, वो सब चीज़ें ना 2000 का वो। अब पानी का मेन तो उन्होंने किए, लोगों की मदद मसला हल किए हुए उन्होंने पानी का। चालू रखेंगे ना। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरी दोनों बच्ची है मेरी, और मेरे घर के अंदर बहुत गंदा पानी आता था और मैं BMC में जा के धक्के खा के परेशान हो गया था। यहाँ पे आया हाजी अली मल के पास में आया, उन्होंने मेरे को एक लेटर दिए, उस लेटर पे मेरा काम हो गया। अब ऐसा नेता कहाँ मिलेगा सर? जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना महामारी चल रहा है, अली खान जी सर इस तरह से काम कर रहे हैं, जनता को कितना खुशी हो रहा है, क्या दुआ करेंगे कि आगे भी? अरे ये तो आप लोग के सामने ही है, जनता बहुत खुश है। इतनी गर्दी है यहाँ पे, 1200 आदमी की लाइन लगी पड़ी है, इसमें से मेरे को एक आदमी चुन के निकाल दो कि कोई आदमी इसमें नाराज है, सब अली भाई से खुश है और इंशाल्लाह सभी वोट देंगे। ठीक है, जब पब्लिक को फायदा हो रहा जिस नेता को, तो वो नेता को खोएंगे कैसा? मैं तो हरगिज नहीं खोएंगी पब्लिक, और अगर खोती है पब्लिक तो उनकी बेवकूफी है। ये जो दूध और सिमई का वितरित कर रहे हैं, कितने का टारगेट दिया गया है, क्या कहना चाहिए? 2000 का, ये 1200-2000 के अंदर है। हालांकि वो ज्यादा ही करने वाले थे, मगर क्या है, अभी कोरोना का ये प्रॉब्लम जो चल रहा है, तो बहुत से भीड़ भाड़ के वजह से हम लोग चाहते नहीं, पब्लिक चाहती नहीं है उन पे कोई बोझ जाए या पुलिस कोई अटैक करे या कोई परेशानी होए। कोरोना महामारी चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाओ कि अपनी सेफ्टी करो, मेन तो मास्क है, और एक दूसरे से दूर रहो और दुआ करो अल्लाह से ये बीमारी जल्द से जल्द चले जाए। लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लग रहा है, क्या लॉकडाउन लगने से जनता को और पब्लिक को और गरीबों को सुरक्षा मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? बाकी अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, कोरोना महामारी लॉकडाउन को लेकर जनता व्यापारी विरोध करी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो फिर गलत कर रही है पब्लिक, विरोध नहीं करना चाहिए। पब्लिक को एकता बनाकर एक पब्लिक के बीच में उतर के सोशल नेता जनता अगर कोई चीज अगर नेता लोग निकालते हैं सैनिटाइजर करें तो वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। अगर पब्लिक अगर उसका नहीं इस्तेमाल करती है तो पब्लिक एक आदमी के पीछे 10 आदमी तो भाग नहीं सकते क्या भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो? इंसान को अपनी हिफाजत अपने आप करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, मेन तो मास्क लगाना जरूरी है। और मैं तो चाहूँगा कि हर इंसान जब तक ये माहौल चल रहा है हर आदमी मास्क लगाए, हर बच्चा मास्क लगाए, हर औरत मास्क लगाए, मगर मैं देखता हूँ कि पुलिसों को सता रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही पब्लिक, तब उनको क्या बोला जाए? वार्ड नंबर 96 की हाजी अली खान जी द्वारा जो ये वितरित कर रहे हैं, क्या वितरित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ कि मैं 96 वार्ड की शाखा संगठक हूँ और मैं ये इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अलीम भाई का ये अभी जब से वो नगर सेवक बने हैं जब से ही नहीं देते हैं, ये पहले से ही देते हैं वो ऐसा। आपसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगने में दिया, कोरोना कर्फ्यू चालू हुआ तभी दिया कि पहले भी एक करते रहे हैं राशन और नहीं ये जब से मैं वही तो बोल रही हूँ आपको कि ये जब नगर सेवक नहीं थे ना, जब भी जो लोग इनको जानते थे उन लोगों तक वो सब कुछ पहुँचाते थे जो पहुँचना चाहिए। ये कितने का टारगेट दिया गया है, क्या बताना चाहिए? ये कुछ 2000 के आसपास का टारगेट दिया है भाई। जिस तरह से हम हाजी अली खान जी सर जो है कर रहे हैं काम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये हम तो यही चाहते थे कि हमारा कोई काम करे, लेकिन आज तक जितने नगर सेवक आए हैं जितने MLA आए आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हाथ जोड़ के चले जाते थे, लेकिन आलिम भाई जो आए हैं इन्होंने हमारी गटर की सहूलियत भी करे है, पानी की सहूलियत, जो 40 साल पुरानी लाइन थी पाइपलाइन, जो पीने का पानी 1 घंटा गंदा पानी आता था जिसमें बास आती थी और वो पी के बीमार भी होते थे लोग, तो वो 40 साल पुरानी लाइन जो थी उन्होंने
परब साहब साथ में और अलीम भाई ने इन लोगों ने मिलके ने आज इतनी बड़ी लाइन पास की है। उस वो लाइन कोई भी आज तक कुछ नहीं कर सका वो लाइन को जो उन्होंने करके दिखाया है। और क्या कहना चाहेंगे मैम, जैसे कि हलीम खान जी द्वारा सर ऐसा कर रहे हैं कि जनता को कितना खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी, आप तो देख ही रहे हैं, आप खुद ही देख लो, देख के ने अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है और कितनी खुश हो सके। दुआ है हमारे हाजी हलीम भाई को, आज तक के प्रिया दत्त आई, बाबा सिद्दीकी का लड़का आया, कितने भी कांग्रेस के आए उन्होंने कुछ नहीं करा, हमारे हाजी हलीम भाई ने नगर सेवक नहीं बनने से पहले ही बहुत हेल्प करा। अल्लाह उनको सेहत दे, इज्जत दे, तरक्की दे, हयाती दे, अल्लाह बरकत दे, सुनने की तकलीफ ऐसा नहीं है, बच्चों की फीस भी भरते हैं, सबके लिए हमारे ना बच्चों की फीस भी भरते हो, ऐसा नहीं है, हम उनके हक में बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छे सब फैले उनके आगे। कांग्रेस आई थी कुछ नहीं करी, प्रिया दत्त आई कुछ नहीं करी, बाबा सिद्दीक सब अपने अपनी पॉलिटिक्स खेलते, अपना अपना अंगे बजाते, मगर इन्होंने उन्होंने अपनी पूरी प्रजा का ख्याल करा है। हाजी अलीम भाई ने पूरी नगर सेवा का पूरा हक अदा करा है, हक है उनको जीने का। वर्ल्ड नंबर 96 की बात करें, क्या है कोरोना काल चलने की वजह से? नहीं नहीं, उनसे पहले ही उन्होंने पहले से नगर सेवक नहीं बने, जब भी उन्होंने बहुत हेल्प करी, सब जातों की हेल्प करी है, ये नहीं मुसलमानों की, पूरे जातों की हेल्प करी, और अभी देखो पूरी जात आई है लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हेल्प कर रहे हैं, ईद मुसलमानों की है, सबकी ईद है, सबके लिए उन्होंने वही रखा है जो मुसलमानों के लिए रखा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।